मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को आज सारा देश जानता और मानता है। छतरपुर जिले के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर्चा लिखकर लोगों के मन की बात बता देते हैं। उनके दिव्य दरबार की आज विदेशों में भी धूम है। वहीं अब दमोह जिले के हटा में भी एक ऐसा ही दरबार लग रहा है, जहां आचार्य पंडित धर्मेंद्र शास्त्री लोगों के मन की बात बता देते हैं। हालांकि वह कोई पर्चा नहीं लिखते, बल्कि सिर्फ चेहरा देखकर अर्जी लगाने वाले की समस्या का समाधान करते हैं। दरबार में लगाई अर्जी, 4 घंटे के बाद आ गया पासपोर्ट। हटा के रहने वाले 28 वर्षीय राहुल सेन ने बताया कि उनके परिवार में बहुत समस्याएं थी, जिनका समाधान नहीं हो पा रहा था। इस बीच जब राहुल अपने परिवार के साथ हटा के श्री सरकार धाम पहुंचे, तो उनके परिवार में मची कलह का समाधान हो गया। बताया कि मेरे दुबई जाने की ख्वाहिश थी, लेकिन काफी पैसा खर्च करने के बाद भी उनका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था। वह श्री सरकार धाम में अपनी अर्जी लेकर पहुंचे। उन्होंने दोपहर 12 बजे लाल कपड़े में नारियल बांधकर गांठ लगाई और घर आ गए। करीब 3 से 4 बजे उनका पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस से घर पहुंच गया। जैसे ही पासपोर्ट मुझे मिला, मैं तत्काल पासपोर्ट लेकर श्री सरकार धाम पहुंचा और अपने हाथों से बंधी अर्जी खोलकर बाबा बागेश्वर सरकार को अर्पित कर दी। आचार्य पंडित धर्मेंद्र शास्त्री ने बताया कि छतरपुर वाले बाबा बागेश्वर धाम अलग पीठ है और हटा में श्री सरकार धाम एक अलग पीठ है। दोनों ही हनुमान जी के धाम हैं, उनकी तुलना नहीं करना चाहिए। कहां सिद्धियां तप करने से प्राप्त होती हैं? बताया कि वह मंगलवार और शनिवार को दरबार लगाते हैं और लोगों की सूरत देखकर उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। कहा कि वह कामना करते हैं कि श्री धाम सरकार की कृपा सभी पर बनी रहे, ताकि श्रद्धालुओं का बेड़ा पार होता रहे, उनके दुख तकलीफें समस्याओं का समाधान होता रहे। दावा किया कि हमारे धाम की खासियत है कि यहाँ पर्चा नहीं लिखा जाता, बल्कि इंसान की सूरत देखकर ही उसके भूत भविष्य को बताने का प्रयास किया जाता है।